हनुमानगढ़ जिले में कोविड-19 को लेकर पुलिस महकमा मुस्तैद नजर आ रहा है। संगरिया थाना प्रभारी इंद्र कुमार संगरिया, DYSP नरपत चंद्र ने बताया कि यहां से पंजाब और हरियाणा की सीमा लगती है। ऐसे में पुलिसकर्मी भी कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो, इसके लिए थाने में जन सहयोग से सैनिटाइजर चैम्बर स्थापित किया गया है। थाने में आने वाला हर व्यक्ति अब सैनिटाइज होकर ही यहाँ प्रवेश करेगा, जिससे संक्रमण की संभावना कम रहेगी। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना में खड़े हैं और आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये सैनिटाइजर चैम्बर बनाया गया है, जिसका आज जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा द्वारा इसका विधिवत शुभारंभ भी किया गया। और कोविड-19 को देखते हुए यह एक महती आवश्यकता थी। संगरिया थाने के थानाधिकारी श्री इंद्र कुमार जी द्वारा ये प्रस्तावित किया गया कि इस तरह का अपन स्थानीय व्यापारी और स्थानीय जो सोशल वर्कर है उनके माध्यम से ऐसा स्ट्रक्चर क्यों नहीं बना दें, जिससे जो भी बाहर से आएगा वो सैनिटाइज होकर आए और उससे कोई संक्रमण होने का खतरा नहीं। हमारा जो ड्यूटी रहती है वो 24 घंटे की है, और जैसे ही 24 घंटे ड्यूटी हम करके आते हैं हमारा स्टाफ, तो उसकी वर्दी डेली धो नहीं पाते, जिसके कारण ये जो सैनिटाइज हो जाता है, इसके अंदर एक मिनट रुक के अपना पूरा शरीर और वर्दी सैनिटाइज हो जाती है, जिससे कि वो किसी प्रकार से अंदर और खुद के लिए संक्रमण ना हो, इसके लिए बनाया गया स्टाफ के लिए। हेतराम इंदलिया, दूरदर्शन समाचार, हनुमानगढ़।